अपने लिए वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक नया वेब सीरीज आने वाला है। क्या है इस वेब सीरीज का नाम? इस वेब सीरीज का नाम बहुत ही अजीब है, गुड बैड गर्ल। इस वेब सीरीज का ट्रेलर कल लॉन्च मतलब रिलीज हो चुका था, और कैसा लगा ये ट्रेलर देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा फनी कॉमेडी इसके अंदर है, और जिस तरह से इस सीरीज का जो ट्रेलर है इसको मतलब काटा गया, एडिट किया गया, वो काफ़ी स्मार्ट लगा, काफ़ी क्रिस्पी लगा, और ऑडियंस के मन में एक कहीं ना कहीं एक मतलब वो जो फील कर पाएंगे इस वेब सीरीज को देखने, उनके अंदर एक एंगेजमेंट, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि क्या आगे होने वाला है। अगर कहानी छोटा करके बताया जाए तो बेसिकली ट्रेलर देख के जितना मुझे समझ में आया कुछ ऐसा है। बुलबुल एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे छोटे से बचपन से दिखने को जब भी वो सच बात कहते थे वो सभी मतलब उनका वो जो डिलेमा था सच कहने से उनको मतलब उसके कहीं ना कहीं जाके उनको डांट मिलती थी, और जब झूठ बोलते थे जो प्रॉब्लम खुद का बुलबुल का हो या उसके किसी रिश्तेदार का हो बच जाता था। तो तभी बुलबुल को समझ में आ गया है, और बार बार एक ट्रेलर में पूछते तो सच क्या है। बुलबुल को बेसिकली ये पता धीरे 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 जितना उसका उम्र बढ़ता गया उसको पता चला कि झूठ या मतलब झूठ ऐसा एक चीज़ है जिससे कोई अगर कठिन मुश्किल है वहाँ से वो बाईपास कर सकता है या निकल सकता है। तो ऐसा ही जब बुलबुल बड़ा हुआ तो बेसिकली एक लॉयर बना, तो लॉयर बनने के जो लॉ फर्म में वो काम करता था वहाँ से उसको सैक किया जाता। उसी दिन उसका जो बॉस को वो बताए कि आप मुझे निकाल नहीं सकते, तो फिर बॉस पूछा क्यों मैं नहीं निकाल सकता, तो बॉस को वो कुछ देर सोचने के बाद वो यही सोचा कि अगर सच कहूँगा तो मुझे जॉब मतलब खोना पड़ेगा, अगर मैं झूठ कहूँगा तो मुझे ये जॉब रह जाएगा मेरा। तब वो अचानक से कह देते मेरे को कैंसर है, मुझे कैंसर है। ये सुन के उसका नौकरी भी बच गया, उसका जितने भी सारा कैंसर का जितने भी सारा ट्रीटमेंट मेडिकल एक्सपेंसेस था सभी कंपनी ने, उसका जो बॉस है वो बोला कि ये फॉर्म उठाएगा, तो उसका तो ज़िंदगी बदल गया। इसके बाद क्या होता है इसके आगे जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखना पड़ेगा। अब ये सीरीज़ का क्या क्या अच्छा लगा, सबसे पहला जो अच्छा लगा ये जो टोटल जो ये ट्रेलर है जिस तरह से एडिट किया गया, कॉम्पैक्ट बनाया गया, जिसके अंदर फनी एलिमेंट था, और ओवरऑल जिस तरह का ट्रीटमेंट है काफ़ी मुझे अच्छा लगा, सही लगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बुलबुल या माया हुजा जो भी कही है इसके कैरेक्टर में यहाँ पे समृद्धि दीवान का एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा, एक्सप्रेशन, खासकर कॉमेडी टाइमिंग उनका बहुत ही ज़बरदस्त था, और जिस तरह से कॉमेडी परफॉर्म किया बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। और देखिए कॉमेडी को परफॉर्म करना बहुत ही इट्सेल्फ मेरा टफ जॉब है, तो जिस तरह से उनका कॉमेडी टाइमिंग था और जिस तरह से वो डायलॉग में डिलीवरी बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसके साथ साथ गुल पनाग का एक्टिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, राजेश शर्मा यहाँ पे है, इसके साथ साथ वैभव राजगुप्ता है, तो लीड और सपोर्टिंग का सभी जितना ट्रेलर में मेरे को दिखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इस जो मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है और ये जो सीरीज़ है इसको लेकर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हाँ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में वो पॉजिटिव वाइब आ रहा है। इसका जो क्रिएटर है वो है विकास बैन, जिसका कल गुड बाय बोल के एक मूवी का ट्रेलर मतलब उनका मतलब डायरेक्टोरियल जो मूवी है गुड बाय उसका ट्रेलर का रिलीज हो चुका था, जो मैंने रिव्यू भी किया था। तो ये मूवी जो है उनका मतलब वो क्रिएटर है, उसको डायरेक्ट किया है अभिषेक सेनगुप्ता ने। तो अगर अभी तक आप इस मतलब सीरीज़ का ट्रेलर नहीं देखे हो गुड बैड गर्ल का, तो सोनी लिव में ट्रेलर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और आप लोग कितना एक्साइटेड हो, आप लोगों को ये एंगेजमेंट फील हुआ कि नहीं, आप देखना चाहते हो कि नहीं, ट्रेलर देखने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताइए।